नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। दिवाली पर भूल कर भी ना खरीदे माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर। 27 अक्टूबर को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। दिवाली पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपके घर पूरे वर्ष रहें और वह आपसे रुष्ट ना हो और आपके घर में धन धान्य बना रहे। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दिवाली का पर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के नाम होता है। इनकी पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की किस प्रकार की तस्वीर खरीदनी चाहिए जिससे घर में कभी भी पैसों की कमी ना हो। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं दिवाली पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर खरीदते समय किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर खरीदते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, दिवाली पर माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा या चित्र घर में लाएं जिसमें वह कमल के फूल पर बैठी हुई हो। माना जाता है कि इस प्रकार का माँ लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा घर में स्थापित करने से माँ लक्ष्मी का घर में स्थायित्व हो जाता है। इसलिए आपको दिवाली के दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी का चित्र ही खरीदना चाहिए। दूसरी चीज, दिवाली पर माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा या चित्र ना खरीदें जिसमें माँ लक्ष्मी जी के पैर दिखाई दे रहे हों, क्योंकि ऐसा चित्र घर में लगाने और पूजा करने से घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इसलिए घर में इस प्रकार का चित्र या प्रतिमा बिल्कुल भी नहीं लगाएं, ना ही स्थापित करें, ना ही इन तस्वीरों की पूजा करें। तीसरी चीज है, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई तस्वीर या प्रतिमा भी घर में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि माना जाता है इस प्रकार के चित्र से लक्ष्मी जी आती जाती रहती हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में पैसों का उतार चढ़ाव बना रहता है। यदि आपके घर में ऐसी तस्वीर है तो ऐसी तस्वीर ना रखें, आप जो हमने आपको बताई वह तस्वीर लेकर आएं। चौथी चीज, माता दिवाली पर माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर प्रतिमा घर में लाएं जिसमें माँ लक्ष्मी के दोनों ओर हाथी हो और वह धन की वर्षा कर रहे हो। ऐसे चित्र या तस्वीर की पूजा अति शुभ मानी जाती है और इस चित्र या तस्वीर की पूजा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। पांचवी बात, दिवाली पर माँ लक्ष्मी का ऐसा चित्र या तस्वीर घर में ला सकते हैं आप जिसमें माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई हो और उनके चरण दबा रही हो, क्योंकि जिस घर में नारायण की पूजा नहीं की जाती उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। छठी बात, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी का ऐसा चित्र या तस्वीर घर पर लाया जा सकता है जिसमें माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा कर रही हो। ऐसा चित्र या तस्वीर घर में लगाने से कभी भी धन की कमी नहीं होती और धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के इस चित्र या तस्वीर की पूजा व्यक्ति को रोजाना करनी चाहिए। सातवीं बात, दिवाली पर ऐसा चित्र या तस्वीर लाना अति शुभ होता है जिसमें भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दाईं ओर बैठे हुए हों। ऐसी तस्वीरें चित्र को घर में लगाने और पूजा करने से न केवल माता लक्ष्मी का बल्कि भगवान गणेश का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आठवीं बात, दिवाली पर घर में माँ लक्ष्मी का ऐसा चित्र या तस्वीर ना लाएं जिसमें वह उल्लू पर बैठी हुई हो, क्योंकि ऐसे चित्र को घर में लगाना और उसकी पूजा करने से आप कंगाल हो सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी रूप में ना तो इस प्रकार के चित्र को घर में लाना है और ना ही इसे घर में लगाना है और ना ही इसकी पूजा करनी है। नौवीं बात, दिवाली पर आप चाहें तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ऐसा चित्र या तस्वीर खरीद सकते हैं जिसमें वह गरुड़ पर बैठे हुए हों। इस प्रकार के चित्र या तस्वीर की पूजा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दसवीं बात, दिवाली पर अगर आप ऐसी तस्वीर लाते हैं जिसमें भगवान गणेश माता लक्ष्मी माता सरस्वती और भगवान कुबेर हो, अगर आप इस प्रकार की तस्वीर या चित्र को दिवाली पर लाकर उनका पूजन करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ माना जाएगा। ऐसा करने से आपको धन ज्ञान के साथ साथ रीति सिद्धि की भी प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी दिवाली पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और पूरे साल आपके घर में विराजमान रहती हैं।
और आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती, तो हमें उम्मीद है कि आप इस दिवाली पर माता लक्ष्मी की हमारे बताए हुए अनुसार ही तस्वीर लाएंगे, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर पर विराजित रहें और आपको कभी भी धन दानने की कमी ना हो। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि वह भी ये जानकारी को प्राप्त कर सकें और वह भी लाभ उठा सके। और यदि आप इसी प्रकार की धार्मिक वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। धन्यवाद।